हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर गुड। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपके एक्सरसाइज के 5.5 तक करा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लाई के 1 डिजिट के कराए थे। आज मैं आपकी न्यू एक्सरसाइज 5.6 में आपको मल्टीप्लाई के 2 डिजिट के करा रही हूँ। ये आप ध्यान से देखना और समझना। तो फर्स्ट है हमारा, ए हमारा है 58 को हमें 32 से क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो हम 2 की टेबल मल्टीप्लाई हम इधर से करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब हम 2 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 8 16 16 हमारा आया। इधर का 6 हमने यहाँ लिखा और ये हमारी ऊपर 1 कैरी हो गई। 2 5 10 10 आया और ऊपर हमारी जो 1 कैरी लगी हुई है इसको हमने 10 में क्या कर लिया बच्चों, प्लस कर लिया, तो हमारा क्या आया 11। कैरी को हम प्लस करते हैं। मैंने 8 डिजिट की कराई थी यहाँ तक। अगर अब हमारी 2 डिजिट के हैं तो हम नीचे मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, इधर लगाएंगे ना कि हम इधर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। 6 के नीचे लगाएंगे ना कि 1 के नीचे। अब 3 की टेबल 8 टाइम काउंट 8 टाइम रीड करेंगे हम। 3 8 24, तो हमारा 4 कहाँ आया, 1 के नीचे, और जो 2 है हमारी ऊपर कैरी आ गई। ओके बच्चों, 3 5 15 15 में हमने 2 को प्लस किया, जो हमारी ऊपर 2 कैरी थी, तो हमारा कितना बन गया बताओ बच्चों, 17, ठीक है। अब हम ये हमारा आ गया। अब आगे हम स्टेप करेंगे तो हमारी जो ऊपर की डिजिट है और नीचे की डिजिट है इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 6 है, 6 से नीचे कोई डिजिट नहीं है, मल्टीप्लाई का निशान है, तो एज इट इज ऐसे ही आ जाएगी 6। 1 और 4 कितने होते हैं बच्चों, पता है आपको? हाँ जी बताओ, 5। ओके, 1 और 7 8, और 1 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है, ओनली 1 ही है, तो हमारा 1 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? अब हम एक सम सॉल्व करते हैं जो आप जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। से हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 की टेबल 3 टाइम हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 15 का 5 हमारा यहाँ पे आएगा बच्चों, और 1 हमारी ऊपर कैरी हो जाएगी। 5 9 जा पता होगा आपको, 5 9 जा कितना होता है, 45। टेबल लर्न कर रखी होगी आपने, और 45 आया और ऊपर हमारी 1 है कैरी है, तो इसको हमने प्लस कर दिया, तो कितना बचे आया बच्चों, 46। फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। अब 2 के डिजिट पढ़ेंगे 3 टाइम्स, 2 3 6, 2 3 हमारा यहाँ पर 6 आ गया, 2 9 18, 18 हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमारी ऊपर कोई भी कैरी नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम प्लस करेंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 एज इट इज आ जाएगा। 6 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 12। 2 का हमारा यहाँ और 1 हमारी ऊपर यहाँ 4 के ऊपर कैरी आ गई। 4 और 8 कितने होंगे बच्चों, 12, और ऊपर जो हमारी कैरी लगी हुई है इसको 12 में प्लस किया तो 13, और फिर अब 1 के ऊपर कैरी आ गई। 1 के ऊपर कैरी आ गई है, यहाँ पर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है और कैरी है, तो हम इस दोनों को प्लस कर देंगे इन दोनों को, 1 और 1 2। इज दैट क्लियर बच्चों?
आई होप आपको टू सम समझ में आ गए होंगे। चलो अब हम एक और सम्स कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक पार्ट और कर लेते हैं हम इसका। सी 7 × 9 को हमें 14 से क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने बताया था मल्टीप्लाई हमेशा हम इस साइड से करते हैं और नीचे वाली हमारी होती है टेबल्स। ठीक है, अब हम 4 की टेबल 1 टाइम काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 1 = 4, क्योंकि 1 जो होती है वो अपने आप में ही अपनी टेबल होती है। 4 × 7 = बताओ 28। अब फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान आ गया, अगर 8 डिजिट होती तो नहीं आता, एज इट इज हमारा आंसर इतना ही होता। अब 2 डिजिट आ जाती है तो हम यहाँ पर दूसरी टेबल जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। 1 की टेबल 1 टाइम काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 × 1 = 1। 1 की टेबल 7 टाइम हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 1 × 7 = 7। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। 4 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है, मल्टीप्लाई का निशान है, तो 4 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, एज इट इज ऐसा ही 8, और 1 कितना होगा 9। 2 और 7 कितने होंगे बच्चों बताओ, 9। इज दैट क्लियर। आई होप आपको मैंने मल्टीप्लाई के 2 डिजिट वाले 3 सम्स करा दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज फिर भी नहीं समझ में आते तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम शेयर सॉल्व कर सकूं। ओके बच्चों, और आपको अपनी नोटबुक में ये करने हैं और बाकी के जितने सम्स बचे हैं आप खुद से ट्राई करके देखना, अगर नहीं आते तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।